Good morning to all of you. Myself Himesh Gupta. Dear students, today I am going to teach you English literature. Chapter number fourteen The Chatty Cow Dear students, In previous day I had completed some exercises in your book. टुडे, आई एम गोइंग टू सेंड योर सम आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, प्लीज वाद दिस वीडियो एंड ट्राई टू कंप्लीट योर फेयर कॉपी ये छात्रों आज मैं आप लोगों को इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर नंबर फोर्टीन द चैटी काउ का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में सेंड कर रहा हूँ आप इस वीडियो को देखेंगे और अपने फेयर कॉपी को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे तो आइए हम देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन चैटी का गो इन सर्च ऑफ हर फ्रेंड यानी जो बातूनी गाय थी वह अपने दोस्तों की तलाश में क्यों गए तो यहाँ पर आंसर है बिकॉज शी वांट टू चैट विथ हर फ्रेंड्स क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ क्या करना चाहते थे चैट यानी बातें करना चाहती थी इसलिए वो अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए गए अगला क्वेश्चन है वाइट डिड द एनिमल हाइड वैन दे सार चैटिकाओ यानी वर्ल्ड द एनिमल हर्ड यानी जानवर क्यों छुप गए वैन दे साथ द चैटी जैसे उन्होंने बैतूनी गाय को देखा तो वे लोग क्यों छुप गए तो इसका आंसर है बिकॉज दे डिड नाट लाइक टू टॉक विथ चैटी का उस बातूनी गाय के साथ वे बातें करना पसंद नहीं करते थे इसलिए वो छुप गए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वाज विथ चैटी काऊ यानी जो चैटी काऊ के साथ जो भी हुआ क्या गलत हुआ उसको पूछा जा रहा है कि उस गाय के साथ क्या गलत गलत हुआ यानी उस गाय को क्या हो गया तो इसका आंसर है द चैटी काऊ ट्राइड वेरी हार्ड टू टॉक बट सी जस्ट कुड नॉट बिकॉज द काउ हैड लास्ट आर वॉइस यानी इसका मीनिंग ये है कि चैटी काउ ट्राइड वेरी हार्ड यानी जो चैटी काउ यानि बातें गाय थी बहुत कोशिश की बहुत कड़ी कोशिश कर रही थी टू टाक यानी बातें करने के लिए बट सी जस्ट कुड नॉट लेकिन वह नहीं कर पाई नहीं कर सकी बिकॉज क्योंकि द काऊ हर लास्ट हर वायर्स क्योंकि उसकी आवाज़ क्या हो गई थी चली गई थी और उसकी आवाज़ नहीं आ पा रही थी अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द एनिमल हेल्प चैटी काउ यानी सभी जानवर ने चैटी काऊ यानी वैतूनी गाय का मदद कैसे किए एक क्वेश्चन है तो यहाँ पे आंसर होगा आल द एनिमल हेल्प द चैटी काउ टू फाइंड हर लास्ट वायरस यहाँ पे हर नहीं होगा ऑल द एनिमल हेल्प्ड द चैटी काउ टू फाइंड हर लास्ट वायरस यानी सभी जानवरों ने मदद किया क्या करने में टू फाइंड हर लास्ट वायस यानी यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे दिया है लास्ट हर लास्ट हर वायस तो यहाँ पे हर लास्ट वायस होगा हर नहीं होगा जैसे तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे होगा हर लास्ट वायस यानी आल द एनिमल हेल्प्ड द चैटी काउ टू तो फाइंड हर लास्ट वायस यानी इस प्रकार से यहाँ पे दो बार लास्ट नहीं होगा हर लास्ट वायरस ही बिल्कुल सही है तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर फाइव व्हाट इज द एनिमल डू टू फाइंड काउट वायरस यानी जानवरों ने गा, गाय की आवाज़ को ढूंढने के लिए क्या किए तो इसका आंसर है ऑल द एनिमल्स शॉर्थ ऑफ द देम यानी सभी के सभी जानवर यानी जो जहाँ पे था वहीं पे, जिसका जहाँ पे घर था वहीं पे, यानी हर जगह सब लोग अपने चारों तरफ उनके आवाज़ को ढूंढने का प्रयास किए यानी खोजे उसकी आवाज़ को ढूंढते रहें इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन आंसर हैं इन क्वेश्चन आंसर को आप अपने कापी में फिर कापी में इसे लिखेंगे और फिर कापी में पूरा करने के बाद आप इसे लर्न भी करेंगे यानी इसे लर्न करने की नींद है पांच क्वेश्चन है इन पांचों क्वेश्चन को आप लर्न करेंगे और आप अपने फेयर कापी को कंप्लीट करने के बाद उसे सॉफ्टवेयर पे चेक करने के लिए या मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे भी आप इसे सेंड कर सकते हैं चेक करने के लिए तो आप उसे सेंड करना भी ना भूलें ओके थैंक यू थैंक यू टू ऑल हैव डे